नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीकेवाई बीएसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी बीएड विवाद 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को अंतिम सुनवाई होने जा रही है। देखिए, राजस्थान का बीएसटीसी बीएड विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, तो इसको समझते हैं। देखिए, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर फाइनल निर्णय दे चुका है। तो उस राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक पढ़ाने के लिए केवल बीएसटीसी वालों को ही योग्य माना है और बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो इस मामले को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे और इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 जुलाई को अंतिम सुनवाई होने जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये मामला क्यों उपजा। तो यहाँ पर एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें बोला गया था कि बीएड वालों को कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए योग्य मान सकते हैं और उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। लेकिन उनके सामने एक शर्त थी कि उनको छह महीने का एक दो साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन भारत देश में ब्रिज कोर्स को लेकर कोई नियम, संस्था या फिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बीएड वालों को कक्षा एक से पांचवी तक पढ़ाने के लिए योग्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई 2020 को अंतिम सुनवाई के दौरान यहाँ पर बीएसटीसी वालों की जीत नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, बीएसटीसी वाले बेफिक्र रहे। और देखिए, मामला मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि विवाद क्यों उपजा और राजस्थान